आइए सवालों को आगे बढ़ाते हुए कुछ और भी सवाल की प्रैक्टिस करते हैं जो प्रोबेबिलिटी पर आधारित हैं और मेंडल के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ पर बेस्ड है। तो जैसे आपको ये पता है कि सभी सवालों का जो बेसिस है वो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो प्रोबेबिलिटी आपने निकाला था एक्टिव जनरेशन का, वो जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब आप दिखाते हैं तो इसमें मान लीजिए प्योर टॉल प्लांट वाले पैरेंट का क्रॉस ड्वार्फ पैरेंट के साथ कराते हैं, इसमें टॉलनेस वाला जो ट्रेट है वो डोमिनेंट ट्रेट है और ड्वार्फनेस वाला ट्रेट वो रिसेसिव ट्रेट है, और रिसेसिव ट्रेट जो है तभी अपीयर होता है जब वो प्योर होता है, यानी दोनों ही एलील पेयर के, यानी एक जीनोटाइप के दोनों एलील क्या है, सेम है, तभी रिसेसिव ट्रेट आता है। तो ड्वार्फ प्लांट का क्रॉस जब प्योर टॉल प्लांट से करते हैं तो F1 प्रोजीनी जो है वो हाइब्रिड टॉल होती है, टॉल ये भी है लेकिन ये टॉल हाइब्रिड टॉल है, ठीक है। ये मान लीजिए पेरेंट जनरेशन है और ये F1 जनरेशन है, ठीक है, F1 जनरेशन है, इसी पर F1 प्रोजीनी कहते हैं। और जब सेल्फिंग कराई जाती है, F1 प्रोजीनी में सेल्फिंग कराई जाती है, सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाता है, तो जो F2 प्रोजीनी प्रोड्यूस होती है, F2 प्रोजीनी जो प्रोड्यूस होती है उसको अगर आप चेकर बोर्ड के माध्यम से देखें तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इस पैरेंट के दो तरह के गैमिट हो गए, कैपिटल टी स्मॉल टी वो इस पैरेंट के दो तरह के गैमिट हो गए, और ये हो गया जीनोटाइप जो F2 प्रोजीनी का जीनोटाइप है, ठीक है। तो ये हो गया F2 जनरेशन। तो जो सवाल आते हैं वो F2 जनरेशन का जो रेशियो है उस पर आते हैं, ठीक है। अब आप यहां की ध्यान एक चीज ध्यान रखेंगे कि इसमें आप देख रहे होंगे तीन तरह के जीनोटाइप, तीन तरह के प्लांट जो है वो टॉल है और एक प्लांट जो है, तीन प्लांट टॉल है और एक प्लांट क्या है वो ड्वार्फ है, ठीक। ये जो फीनोटाइपिक रेशियो हो गया, F2 जनरेशन का जो फीनोटाइपिक रेशियो जो आपको मिला, ठीक है, वो मिला 3:1, ठीक। तो F2 जनरेशन का जो फीनोटाइपिक रेशियो मिला वो 3:1 आपको पता है, और इसी F2 जनरेशन का जो जीनोटाइपिक रेशियो होगा, जीनोटाइपिक रेशियो होगा, मैं ऊपर लिख देता हूं, जीनोटाइपिक रेशियो होगा वो होगा 1:2:1, ठीक है। ये आपको दोबारा मैं रिकॉल कर रहा हूं क्योंकि इसी पर आधारित सवाल डिस्कस करेंगे हम लोग, जिसमें 1 जो है वो प्योर टॉल है, प्योर टॉल है, 2 जो है वो हाइब्रिड टॉल है और 1 जो है वो ड्वार्फ है, ड्वार्फ हमेशा प्योर भी होते हैं, और 3:1 का मतलब हो गया कि 4 में से 3 पौधे जो है वो टॉल है, 3 में मतलब 3 टॉल है और 1 क्या है ड्वार्फ, ठीक। तो जब भी कोई क्रॉस कराया जाता है दो प्लांट के बीच में जिनमें एक कैरेक्टर का डिफरेंस होता है उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो मोनोहाइब्रिड F2 रेशियो में मतलब इससे आपने कंक्लूजन क्या निकाला, कंक्लूजन ये निकाला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टॉल या डोमिनेंट ट्रेट, मतलब टॉल या डोमिनेंट ट्रेट कहिए, कोई भी डोमिनेंट ट्रेट की बनने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी इन F2 जनरेशन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ डोमिनेंट ट्रेट इन F2 जनरेशन वो होगा 3/4, ठीक है, 1, 2, 4 में से 3 उनमें डोमिनेंट ट्रेट होगा, ठीक है।
तीन में डोमिनेंट, एक में रिसेसिव। टॉल क्या है? डोमिनेंट। तो टॉल जो है वो डोमिनेंट ट्रेट है, पहले भी आपको बताया जा चुका है। तो किसी भी डोमिनेंट ट्रेट की एफ टू जनरेशन में आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/4। और रिसेसिव ट्रेट के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/4 होगी, ठीक है। और ये डॉट हो गया रिसेसिव ट्रेट, हो गया रिसेसिव ट्रेट, ठीक, ये क्लियर हो गया। तो इस रेशियो से, इस पलट स्क्वायर को अगर आप ध्यान से देखें तो क्या बता रहा है? ये बता रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ डोमिनेंट ट्रेट 3/4 है, और दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसेसिव ट्रेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसेसिव ट्रेट इन एफ टू जनरेशन, इन एफ टू जनरेशन 1/4। मतलब एक तरह से ये पूछ रहा है कि एफ टू जनरेशन में कितने प्लांट ऐसे होंगे जो डोमिनेंट ट्रेट वाले होंगे, तो 4 में से 3 प्लांट। तो हर प्लांट के डोमिनेंट ट्रेट कंटेन करने का चांस क्या होगा? 3/4, ठीक है। उसी तरह से रिसेसिव ट्रेट के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/4। अब ये हो गया फिनोटाइपिक रेशियो के आधार पर, आपने यही तो 3:1 रेशियो है, फिनोटाइप, ठीक है, फिनोटाइपिक रेशियो। और अगर जीनोटाइपिक रेशियो पूछा जाए, सवाल ऐसे पूछे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ प्लांट हैविंग प्योर डोमिनेंट ट्रेट, मतलब प्योर डोमिनेंट में प्योर डोमिनेंट का मतलब हो गया, मतलब दोनों ही एलील जो है वो कैपिटल लेटर में हो, कहने का मतलब है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्योर डोमिनेंट ट्रेट, ठीक, प्योर डोमिनेंट ट्रेट, तो प्योर डोमिनेंट ट्रेट का मतलब होता है प्योर टॉल इस तरह से, या डोमिनेंट होमोजाइगस भी लिख सकते हैं, या इसी को बोलते हैं डोमिनेंट ट्रेट के साथ वो होमोजाइगस हो, होमोजाइगस हो, यानी दोनों ही एलील क्या हो? डोमिनेंट। तो वो हो जाएगा 1/4, उसकी प्रॉबर्टी हो जाएगी 1/4, मतलब वो कैप्टर्टी जो टाइप वाले प्लांट के बारे में पूछ रहे हैं इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ डोमिनेंट हेटरोजाइगस, मतलब हाइब्रिड डोमिनेंट, प्योर ना हो, हाइब्रिड प्लांट हो जो डोमिनेंट ट्रेट दिख रहा है, लेकिन अगर जब उसका जीनोटाइप देखो तो वो हाइब्रिड है, या उसको हेटरोजाइगस, डोमिनेंट हेटरोजाइगस भी कह सकते हैं, डोमिनेंट हेटरोजाइगस, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/4, मतलब आप कह सकते हैं एक डोमिनेंट एलील होगा और एक रिसेसिव एलील होगा जीनोटाइप में, यानी कैपिटल टी होगा और एक स्मॉल टी होगा। किसी भी सवाल में ये एक तरह से रूल आप बना लीजिए, ये लगाएंगे। उसके बाद फिर आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ रिसेसिव जीनोटाइप, मतलब रिसेसिव ट्रेट, प्योर रिसेसिव, तो रिसेसिव हमेशा प्योर ही होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसेसिव जीनोटाइप की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, मतलब दोनों ही स्मॉलर एलील होंगी, ठीक है। तो यानी कि इसको आप कह सकते हैं स्मॉल टी जीनोटाइप वाले प्लांट के बनने की प्रॉबिलिटी क्या होगी? 1/4। तो आप देखेंगे कि ये जो रेशियो मिला, ये क्या मिला? 1:2:1, क्या मिला? 1:2:1। और इसको कहा जाता है जीनोटाइपिक रेशियो। तो ये हो गया एफ टू फिनोटाइपिक रेशियो, एफ टू जनरेशन का फिनोटाइपिक रेशियो, और ये हो गया एफ टू जनरेशन का जीनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। अब
इसी चीज को देखो हम कैसे अप्लाई करते हैं सवालों पर। अब देखिए सवाल कैसे पूछा जा सकता है कि एक डाई हाइब्रिड क्रॉस है उसमें F2 जनरेशन में कितने प्लांट, हाउ मेनी प्लांट्स, हाउ मेनी प्लांट्स हैव बोथ बोथ ऑफ द डोमिनेंट ट्रेट्स, बोथ ऑफ द डोमिनेंट ट्रेट्स, यानी कितने प्लांट F2 जनरेशन में बनेंगे जिसमें दोनों ही ट्रेट डोमिनेंट हो, दोनों ही ट्रेट डोमिनेंट हो। तो ट्रेट का डोमिनेंट होना और रिसेसिव होना मतलब वो फिनोटाइप आप बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, फिनोटाइप आप बता रहे हैं। तो आपको पता है कि F2 जो फिनोटिपिक रेशियो होता है, फिनोटाइपिक रेशियो होता है वो 3/4:1/4 होता है या 3:1 होता है, डोमिनेंट ट्रेट का 3/4 होता है और रिसेसिव ट्रेट का क्या होता है 1/4 होता है, ये आपको पता है, ये आपको पता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ऐसा ही होता है। तो कहने का मतलब है कि F2 जनरेशन में कितने ऐसे प्लांट होंगे जिसमें दोनों ही ट्रेट डोमिनेंट हो, जैसे कि अगर हम फॉर एग्जांपल ले लें कि येलो एंड राउंड सीड वाले प्लांट कितने होंगे, दैट इज येलो एंड राउंड सीडेड प्लांट कितने होंगे, ठीक, येलो भी डोमिनेंट ट्रेट है और राउंड भी डोमिनेंट ट्रेट है, ठीक है। तो अब डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, इसमें पेरेंट ऐसे लिए जाते हैं जो कि दो कैरेक्टर में एक दूसरे से डिफरेंट हो, बाकी सारे कैरेक्टर उनके सेम। तो अब देखो तो ये एक कैरेक्टर है सीड का कलर, ठीक है, और ये दूसरा कैरेक्टर है सीड का शेप, सीड का शेप, ठीक। तो सीड कलर में दो ट्रेट होते हैं येलो एंड ग्रीन, तो सीड कलर में दो ट्रेट होते हैं येलो और ग्रीन, और सीड शेप में भी दो ट्रेट होते हैं, ठीक है, राउंड एंड रिंकल्ड, ठीक है। इसमें आपको पता है कि येलो डोमिनेंट ट्रेट होता है और ग्रीन रिसेसिव ट्रेट होता है, राउंड डोमिनेंट ट्रेट होता है और रिंकल्ड रिसेसिव ट्रेट होता है। तो अब ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी प्लांट्स हैव बोथ द डोमिनेंट ट्रेट इन F2 रेशियो। तो आप एक तो तरीका यह है कि पूरा क्रॉस करिए, क्रॉस करने का तरीका यह है कि पहले F1 जनरेशन निकालिए, फिर सेल्फिंग करिए, फिर चेकर बोर्ड बनाइए, फिर 16 में से गिनिए कि कितने प्लांट जो है वो जिसमें येलो और राउंड सीड है गिन के निकालिए, या सीधे प्रोबेबिलिटी का यहाँ पर रूल लगा दीजिए क्या चलेगा। अब आपको मालूम है कि F2 फिनोटाइपिक रेशियो, ठीक है ना, F2 फिनोटाइपिक रेशियो में डोमिनेंट ट्रेट के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/4 और रिसेसिव ट्रेट के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4। तो डोमिनेंट ट्रेट दोनों ही चाहिए, तो ये 3/4 इसकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, और सीड कलर में, सीड कलर में डोमिनेंट ट्रेट है और सीड शेप में भी डोमिनेंट ट्रेट है, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी आने की क्या होगी 3/4 होगी, और दोनों की प्रोबेबिलिटीज साथ साथ पूछ रहे नहीं है कि ही सीड जब आपके हाथ में सीड दिया जाए तो पीला भी हो और राउंड भी हो, यानी दोनों ट्रेट्स साथ साथ दिखे। तो जब कोई दो इंडिपेंडेंट इवेंट साथ साथ आते हैं
तो उनकी जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज होती हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो उस केस में ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 9/16, यानी 16 में से 9 पौधे ऐसे होंगे जिनमें डोमिनेंट ट्रेट देखा जाएगा डाईहाइब्रिड क्रॉस में, ठीक। तो 16 में से 9 प्लांट ऐसे होंगे कि उनमें डोमिनेंट ट्रेट देखा जाएगा, तो उसका आंसर क्या हो गया कि 9 प्लांट्स आउट ऑफ 16 विल हैव बोथ द ट्रेट्स डोमिनेंट, ठीक है। अब यहां येलो राउंड कर लो या उसके जगह पर टॉल एंड रेड फ्लावर वाला कर लो, जैसे कि टॉल प्लांट विथ रेड फ्लावर, टॉल भी डोमिनेंट रेड भी डोमिनेंट, तो कितने ऐसे प्लांट होंगे। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई ना कि किस तरह से सवाल को अप्रोच करना है। ये तो हो गया फिनोटाइप पर सवाल, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी सवाल पूछ सकता है कि फिनोटाइपिक रेशियो आपने यहां लगा दिया, उस सवालों में जीनोटाइपिक रेशियो लगाना पड़ता है, क्योंकि यहां तो सीधे सीधे डोमिनेंट या ऐसे पूछ सकता है रिसेसिव, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव ट्रेट हो तो क्या होगा। इसी में एक और सवाल पूछा जा सकता है, हाउ मेनी प्लांट्स, देखो कैसे लगाते हैं, हाउ मेनी प्लांट्स हैव वन डोमिनेंट, ठीक है, वन डोमिनेंट एंड वन डोमिनेंट एंड अदर रिसेसिव ट्रेट, कितने प्लांट में एक डोमिनेंट ट्रेट होगा और दूसरा रिसेसिव ट्रेट होगा। हाउ मेनी प्लांट्स हैव वन डोमिनेंट एंड वन रिसेसिव ट्रेट, तो इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल फिर इसका लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल आप दिए हैं नहीं है, ऐसे ही इसके एग्जाम्पल को हम देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल में ये हो सकता है कि एक डोमिनेंट और दूसरा रिसेसिव ट्रेट हो, तो एक डोमिनेंट रिसेसिव ट्रेट क्या हो सकता है, येलो एंड रिंकल्ड, ठीक, येलो एंड रिंकल्ड सीडेड प्लांट ये पूछ रहा है, ठीक। एक तो ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, इसका डोमिनेंट सीड कलर का डोमिनेंट बट लेकिन सीड शेप का रिसेसिव ट्रेट, या सीड कलर का रिसेसिव और सीड शेप का डोमिनेंट, ठीक है। और या इसका ऐसे पूछ सकता है, ग्रीन सीड बट राउंड सीड सीडेड प्लांट, मतलब इनके बारे में पूछ रहा है कितने ऐसे प्लांट होंगे जिसमें एक ट्रेट जो होगा वो डोमिनेंट होगा और दूसरा ट्रेट क्या होगा, रिसेसिव होगा, ये रिसेसिव नहीं है डोमिनेंट। तो ये भी आपके दिमाग में आएगा, ये भी आपके दिमाग में आएगा, तो इन दोनों को ही जोड़ देना होगा, समझ में। तो कितने ऐसे प्लांट बनेंगे F2 जनरेशन में जिसमें एक ट्रेट डोमिनेंट हो एक ट्रेट रिसेसिव हो, ठीक है, डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो या तो वही चेकरबोर्ड बनाओ और गिनो 16 में से, और तुम प्रोबेबिलिटी का भी इस्तेमाल करके यहां कर सकते हो। तो चलो पहले इस वाले केस को देखते हैं, तो जब हम इस वाले केस को देखेंगे तो क्या पाएंगे, तो येलो है, तो येलो सीधे मैं लिख देता हूं डोमिनेंट है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 होगी, ठीक है, और इनटू रिंकल की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, रिंकल ट्रेट की प्रोबेबिलिटी रिसेसिव ट्रेट की प्रोबेबिलिटी 1/4 होती है डोमिनेंट की, तो ये हो गया 3/4, ये हो गया 1/4, तो ये हो जाएगा 3/16, यानी 3/16 यानी 16 में से 3 पौधे ऐसे होंगे जिनमें येलो पहला वाला ट्रेट डोमिनेंट होगा, दूसरा वाला ट्रेट क्या होगा, रिसेसिव होगा, पहला दूसरा मान ले, क्योंकि येलो और रिंकल का एग्जांपल ले लिया, कुछ और टॉल और व्हाइट फ्लावर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये हो गया। और इसका देखो क्या होगा, इसमें पहला रिसेसिव है दूसरा डोमिनेंट है, इसमें क्या था, पहला डोमिनेंट था दूसरा रिसेसिव था, इस वाले में हो गया पहला रिसेसिव दूसरा डोमिनेंट, क्योंकि हमने तो ये पूछा ना हाउ मेनी प्लांट्स हैव वन, अब ये वन मतलब ये नहीं पता कि पहला वाला कि दूसरा वाला, वन डोमिनेंट एंड अदर रिसेसिव, अगर हम कह देते कि नहीं
ये वाला डोमिनेंट हो या रिसेसिव, तो ये एक रेशियो आता है। लेकिन जब हमने बताया ही नहीं कि कौन डोमिनेंट कौन रिसेसिव, तो दोनों ही आपको मानना है, तो उस केस में क्या होगा? तो यहां पर पहला वाला 1/4 प्रोबेबिलिटी के साथ, दूसरा वाला ये क्योंकि ये डोमिनेंट है ये 3/4 प्रोबेबिलिटी के साथ आएगा, तो ये भी हो गया 3/16। यानी 16 में से 3 पौधे ये होंगे इस प्रॉपर्टी वाले, इस ट्रेट वाले होंगे, इन ट्रेट्स वाले, और 16 में से 3 पौधे इन ट्रेट्स वाले होंगे। तो टोटल जब इनको और इनको आप जोड़ेंगे, यानी 3 पौधे इसमें 3 पौधे इसमें, यानी आपको टोटल 6 पौधे ऐसे मिलेंगे, ये 6 पौधे ऐसे मिलेंगे, इनको सम कर देंगे तो ये हो जाएगा, यानी कि 16 में से 6 पौधे ऐसे होंगे जिनमें कि दोनों में से एक ट्रेट डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम सवाल पर अप्रोच करते हैं। तो ये हो गया फिनोटिपिक रेशियो का इस्तेमाल, 3:1 रेशियो का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं सवाल को लगाने में। ये तो मान लो डाई हाइब्रिड क्रॉस है, ऐसे ही जब कोई ट्राई हाइब्रिड क्रॉस पूछ देगा, मान लो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का सवाल पूछ देगा, और थोड़ा टिपिकल बनाते हैं, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में पूछ देगा कि चलो भाई एक ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है, और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में आपको बताना है, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में आपको बताना है, क्योंकि ट्राई हाइब्रिड क्रॉस होगा तो मतलब 3 कैरेक्टर में डिफरेंट होगा प्लांट वो, ठीक है ना, जो F1 प्लांट बनेगा वो 3 कैरेक्टर में हाइब्रिड होगा। ठीक है, तो उसमें तीनों ही ट्रेट के लिए तीनों ही डोमिनेंट ट्रेट मौजूद, तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, तो ऑल 3 डोमिनेंट ट्रेट्स, ऑल 3 डोमिनेंट ट्रेट्स, तो ऑल 3 डोमिनेंट ट्रेट्स देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी कि उसमें पहला भी ट्रेट डोमिनेंट है, दूसरा भी डोमिनेंट है, तीसरा भी डोमिनेंट है, तो ऐसे कितने प्लांट बनेंगे F2 जनरेशन, क्या रेशियो होगा ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में, तो तुमको मालूम है डोमिनेंट किस रेशियो में आता है, 3/4, तो 3 और तीनों ही डोमिनेंट ट्रेट साथ साथ आ रहे हैं, तो सबके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट हो जाएगा 3/4 इसका भी, 3/4 इसका भी, तो ये हो जाएगा 27 upon 4 = 64, यानी 64 में से 27 प्लांट ऐसे होंगे एक्टिव जनरेशन में जिनमें सभी तीनों ट्रेट क्या होंगे, डोमिनेंट होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करके सीधे सीधे सवाल लगा सकते हैं। ये है फिनोटाइप को, फिनोटाइपिक रेशियो का इस्तेमाल सवाल में। अब हम जीनोटिपिक रेशियो का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो डिस्कस करेंगे। अब देखिए आप फिर से कंसीडर करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब पूछ रहा है किसके F2 जनरेशन में हाउ मैनी plants are hybrid tall, ध्यान से देखिए, hybrid tall with white flowers, how many pea plants? अब ध्यान से देखिए, तो how many pea plants are hybrid tall with white flowers? अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो अब यहां पर जीनोटाइप का हिंट दिया है, हाइब्रिड टॉल का जीनोटाइप क्या होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी होता है, खाली टॉल लिखता तो टॉल में आप को नहीं पता चलता कि कैपिटल टी बोल रहा है कि कैपिटल टी स्मॉल टी बोल रहा है, तो दोनों को ही कंसीडर करते, तो वो फिनोटाइप दे दिया, लेकिन यहां हाइब्रिड टॉल का मतलब वो जीनोटाइप दे दिया, या होमोजाइगस टॉल कहता तो कैपिटल टी मान लेते, हाइब्रिड टॉल बोला तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, विद व्हाइट फ्लावर मतलब ये रिसेसिव ट्रेट होता है, ये कौन सा ट्रेट होता है, रिसेसिव ट्रेट, और रिसेसिव हमेशा होमोजाइगस होते हैं, तो व्हाइट आपको मालूम है मटर में व्हाइट फ्लावर रिसेसिव ट्रेट है, वॉलेट फ्लावर डोमिनेंट ट्रेट है, तो ये तो रिसेसिव ट्रेट का जिक्र किया है, और रिसेसिव ट्रेट जो होते हैं वो ऑलवेज होमोजाइगस होते हैं, होमोजाइगस है, ठीक है, तो इसका जो जीनोटाइप होगा वो
आप उसको स्मॉल आर, स्मॉल आर मान सकते हैं, ठीक है। तो ये स्मॉल आर, स्मॉल आर जूनोटाइप हो गया, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि कितने प्लांट एफ टू जनरेशन में होंगे जिनका जीनोटाइप ये होगा, ठीक। तो आपको पता है कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो F2 जीनोटाइपिक रेशियो होता है, जीनोटाइपिक रेशियो होता है वो क्या होता है, 1:2:1 होता है, 1:2:1। ये प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटरोजाइगस डोमिनेंट और ये रिसेसिव। ये वन है होमोजाइगस डोमिनेंट प्योर टॉल, टू हो गया हाइब्रिड टॉल हेटरोजाइगस डोमिनेंट और वन हो गया रिसेसिव। तो यानी कि चार में से इसको 1/4 कहेंगे, इसको 2/4 कहेंगे, इसको 1/4 कहेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ गया। तो अब यहां पर आप देख रहे हैं एक कैरेक्टर कैपिटल टी स्मॉल टी से निर्धारित हो रहा है और दूसरा कैरेक्टर स्मॉल स्मॉल से निर्धारित हो रहा है। तो ये हो गया हाइब्रिड टॉल, ठीक है, हाइब्रिड टॉल, और ये हो गया रिसेसिव ट्रेट। तो हाइब्रिड टॉल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/4, रिसेसिव ट्रेट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4 यानी 2/16, यानी 16 में दो पौधे ऐसे होंगे जिनका जीनोटाइप होगा कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल आर स्मॉल आर, ठीक। ये जो सवाल दिया है उसके हिसाब से 16 में से दो पौधे ऐसे होंगे जो हाइब्रिड टॉल होंगे और उनमें व्हाइट फ्लावर होगा, ठीक। अब इस सवाल को कुछ और तरीके से पूछ सकता है, मान लो हाइब्रिड टॉल ना कह करके वो कहता प्योर टॉल, प्लांट प्योर टॉल है विथ व्हाइट फ्लावर, तो ये अगर कहता तो प्योर टॉल का जीनोटाइप कैपिटल टी हो जाता और व्हाइट फ्लावर है तो ये नहीं रहता। तो अब इस केस में कैपिटल टी का प्रोबेबिलिटी ये हो जाता 1/4 और इसका तो मालूम है प्रोबेबिलिटी 1/4 इसका है, तो ये 1/16 यानी 16 में सिर्फ एक प्लांट ऐसा होगा जिसका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल आर होगा। तो आपको समझ में आया कि अगर आपको सवाल ऐसे मिलेगा तो आपको जीनोटाइप उसका बनाना है और जीनोटिपिक रेशियो को वहां अप्लाई करना है। तो इस तरह से फिनोटिपिक रेशियो जीनोटिपिक रेशियो को आप इस्तेमाल करके सवाल को उसके अंजाम तक पहुंचाते हैं, ठीक है। अब कभी कभी ये पूछ देता है कि एक पहले भी आपको डिस्कस किए हैं कि एक ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है, इसके एफ टू जनरेशन में कितने प्लांट होंगे जिनका जीनोटाइप इस तरह से होगा, ऐसे ही बना दिया, ये जीनोटाइप वाला प्लांट। हाउ मेनी प्लांट्स विथ दिस जीनोटाइप, हाउ मेनी प्लांट्स विथ दिस जीनोटाइप, ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे, तो ठीक तो है ये हेटरोजाइगस है, डोमिनेंट हेटरोजाइगस, क्योंकि डोमिनेंट एलील है, रिसेसिव एलील है, डोमिनेंट एलील है, रिसेसिव एलील है। यहां पर तीन कैरेक्टर्स हैं, पहला वाला कैरेक्टर, ये दूसरा कैरेक्टर, ये तीसरा कैरेक्टर, नंबरिंग दे देंगे, पहला कैरेक्टर, दूसरा कैरेक्टर, तीसरा कैरेक्टर। पहला कैरेक्टर क्या है, हाइब्रिड डोमिनेंट है, दूसरा कैरेक्टर प्योर डोमिनेंट है, प्योर क्योंकि दोनों एलील सेम है, हाइब्रिड क्योंकि पहला एक एलील डोमिनेंट है, रिसेसिव है, और तीसरा कैरेक्टर भी हाइब्रिड डोमिनेंट है। तो हाइब्रिड डोमिनेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 2/4 होती है, और साथ साथ ये तीनों कैरेक्टर एक ही प्लांट में दिख रहे हैं तो इनके सबकी प्रोबेबिलिटीज का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगता है, बता चुके हैं प्रोडक्ट रूल कब लगता है। और ये प्योर टॉल है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 हो जाएगी, ठीक है, 1/4, और ये भी हाइब्रिड टॉल है तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/4। तो ये हो जाएगा 2 × 4/64, या इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/16,
या तो 64 में चार पौधे इस जीनोटाइप वाले बनेंगे या 16 में एक पौधा इस जीनोटाइप वाला बनेगा। तो अपने सवाल में जो ऑल्टरनेट है, विकल्प है, उसको आप देख के समझ लीजिएगा, ठीक है। तो आपको चेकरबोर्ड नहीं बनाना है, सीधे आप बिना चेकरबोर्ड बनाए आपको पता चल गया कि ये कंडीशन है, ठीक है ना। तो ये हो गया सवाल के तरीके। अब ये तो आप जितना ज्यादा सवाल लगाएंगे उतना आसानी से बन जाएगा। अब इसमें कुछ सवाल और भी आते हैं, उनको समझिए। जैसे कि किसी जीन के अगर दो एलिलिक फॉर्म है तो कितने जीनोटाइप बनेंगे, ठीक है, या किसी जीन के तीन एलिलिक फॉर्म है तो कितने जीनोटाइप बनेंगे, इसको भी समझते हैं। तो उस तरह के सवाल को समझने के लिए, जैसे मान लीजिए किसी जीन के दो एलिलिक फॉर्म है, किसी जीन के दो एलिलिक फॉर्म है, टू एलील्स है, तो कितने जीनोटाइप बनेंगे। तो मान लीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी दो एलिलिक फॉर्म है, ज्यादातर जीन के दो ही एलिलिक फॉर्म होते हैं नेचर में, तो इसलिए ये बड़ा कॉमन होता है। तो हाउ मेनी टाइप ऑफ जीनोटाइप इज पॉसिबल ऑर्गेनिज्म जब डिप्लॉयड होता है। तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में कितने तरह के जीनोटाइप पॉसिबल होंगे, जीनोटाइप पॉसिबल। डिप्लॉयड कहने का मतलब कि इन दोनों में से कोई दो एलील साथ साथ ही रहेगा, ट्रिप्लॉयड में तीन एलील साथ साथ रहेगा, टेट्राप्लॉयड में चार एलील साथ साथ रहेगा। तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप क्या होगा अगर किसी जीन के दो एलीलिक फॉर्म है, तो कितने जीनोटाइप होंगे, कौन कौन से होंगे। और डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें हर जीन की दो कॉपीज होती हैं या एलील पेयर में पाए जाते हैं। ट्रिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म है जिसमें हर जीन की तीन कॉपी पाई जाएगी, टेट्राप्लॉयड हर जीन की चार कॉपी पाई जाएगी, चार एलील्स होंगे, चार एलील्स होंगे, चार टाइप ऑफ एलील नहीं होंगे, एक ही एलील रिपीट होगा ना कई बार, ऐसा हो सकता है। तो देखो, तो इसमें ऐसे बना रहे, एक टी है स्मॉल टी, तो एक बार टी अपने साथ पेयर करेगा, एक बार टी इसके साथ पेयर करेगा, और फिर इसका देखो ये अपने साथ पेयर करेगा, इसके साथ पेयर करेगा, तो पहले ही बन चुका है, तो दो ये हो गया, एक ये हो गया, टोटल कितने जीनोटाइप हो गए, तीन जीनोटाइप हो गए, तो कितना जीनोटाइप होगा। तो देखिए, अगर किसी जीन के तीन एलिलिक फॉर्म है, थ्री एलील्स है, ऐसे मान लेते हैं, एक हो गया टी, एक हो गया T डैश और एक हो गया स्मॉल T, डिप्लॉयड ही ऑर्गेनिज्म, तो कितने जीनोटाइप पॉसिबल होंगे। तो ऐसे तीन कॉलम बन जाएगा, जितने एलील्स हैं उतने कॉलम बना लीजिए, पहले बनाने का तरीका समझा है। तो पट्टी लिख दीजिए, T डैश लिख दीजिए, यहाँ T लिख दीजिए, एक बार इसकी पेयरिंग अपने साथ करा दीजिए, इसका इसकी पेयरिंग इसके आगे जो उसके साथ करा दीजिए, फिर इसकी पेयरिंग और आगे जो उसके साथ करा दीजिए, तो ये तीन जीनोटाइप हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर अब इसके किसकी बारी है, इसका अपने साथ पेयरिंग करा दीजिए, ठीक है, इसका इसके जो आगे है उसके साथ पेयरिंग करा दीजिए, क्योंकि पीछे वाले के साथ इसकी पेयरिंग इसके साथ ऑलरेडी हो चुकी है यहाँ पर। अब इस पर आइए, इसकी पेयरिंग अपने साथ होगी, इसके पीछे वाले के साथ पेयरिंग ऑलरेडी हम करा चुके हैं, तो यहाँ देखिए आप, थ्री जीनोटाइप ये हो गए, दो ये हो गया और एक ये हो गया, तो टोटल कितने जीनोटाइप हो गए, सिक्स जीनोटाइप हो गए। यानी किसी जीन के अगर तीन एलिलिक फॉर्म होंगे तो हाउ मेनी टाइप ऑफ जीनोटाइप पॉसिबल, तो सिक्स टाइप ऑफ जीनोटाइप पॉसिबल अगर थ्री एलिलिक फॉर्म है, और अगर दो एलिलिक फॉर्म है तो कितने जीनोटाइप पॉसिबल होंगे, थ्री जीनोटाइप पॉसिबल होंगे। ये बात समझ में आया। ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस में पढ़े होंगे मल्टीपल एलिज्म में, आई ए एलील, आई बी एलील और आई ओ एलील, तो वहां देखे होंगे सिक्स टाइप ऑफ जीनोटाइप होता है ब्लड ग्रुप में, तो वही चीज यहाँ हमने समझाया है। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, या एक और तरीका है इसके बनाने का, मतलब इसको सवाल को लगाने का, यदि किसी जीन के दो एलिलिक फॉर्म है, किसी जीन के दो एलिलिक फॉर्म है, तो उसके कितने जीनोटाइप होंगे, 2+1 यानी कितना, 3, या यदि किसी जीन के तीन एलिलिक फॉर्म है तो उसके कितने जीनोटाइप पॉसिबल होंगे, तो 3+2+1 ये हो जाएगा 6। ऐसे ही यदि किसी जीन के चार एलिलिक फॉर्म है तो क्या कर लोगे, ठीक है, क्या कर लोगे, 4
टू प्लस वन, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे 7, 8, 9, 10 एलीलिक फॉर्म। ऐसे ही सवाल पूछ दे, यदि किसी जीन के 100 एलीलिक फॉर्म होंगे तो कितने जीनोटाइप पॉसिबल होंगे, तो 100 प्लस 99 प्लस 98 प्लस 97 प्लस ऐसे लेकर के 1 तक उसको जोड़ दीजिए, तो बैठ के एग्जाम में जोड़ेंगे तो नहीं, तब उस जगह पर फॉर्मूला की जरूरत पड़ती है। और यहां देखो कैसे 3 आया, 2 और 1 3, तो हमने भी तो लिखा है 2 प्लस 1 2 प्लस 1, कैसे 6 आया 3 प्लस 2 प्लस 1, देखो 3 प्लस 2 प्लस 1। ऐसे ही जब आप 4 एलीट फॉर्म होंगे, लेकिन अगर ऐसे बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एलीट्स का पूछ देगा तो बैठ के ये सब करोगे तो ज्यादा समय लगेगा, तो फॉर्मूला की जरूरत वहां पड़ती है, तो फॉर्मूला की जरूरत वहां पड़ेगी तुम्हें। तो उस केस में एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको कैलकुलेशन करना है निकालना है तो वहां पर होता है एक फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट में n प्लस 1 बाई 2, ये होता है टोटल टाइप ऑफ जीनोटाइप। टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप्स, नंबर यहां पर टाइप्स है, तो टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप निकालने के लिए आपको ये थोड़ा इधर मैं लिख देता हूं, तो टोटल टाइप ऑफ जीनोटाइप या टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला होता है n n प्लस 1 बाई 2। तो जैसे मान लो अगर 3 एलीलिक फॉर्म है तो n इज नंबर ऑफ एलील, n क्या है, इट इज नंबर ऑफ एलील्स, कितने एलील्स हैं किसी जीन में, तो अगर 3 एलील है तो 3 लिख दिया 3 प्लस 1 बाई 2, तो देखो 4 बाई 2 का आधा कर दोगे तो 2 हो जाएगा, 3 2 6, ये क्या जाएगा 6, तो देखो 6 आ गया। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि n ब्रैकेट में n प्लस 1 बाई 2 ये क्या बताता है, ये टोटल टाइप ऑफ जीनोटाइप बताता है, वहां n क्या है, n है नंबर ऑफ एलील्स। अब हम लोग क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे, तो एनसीईआरटी बुक ने जो सबसे पहला पॉइंट जिक्र किया है इस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में वो ये है कि मेंडल ने इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर पर जो अपना वर्क पब्लिश किया वो 1865 में किया, ठीक है, हमने पहले भी पब्लिकेशन ईयर और उसका प्रेजेंटेशन ईयर का क्लैरिफिकेशन दे दिया है, बट यहाँ एनसीईआरटी बुक में जो लिखा है, जो कोट किया उसको सुन लीजिए, कि मेंडल ने अपना इनहेरिटेंस पर जो काम किया उसको पब्लिश किया था 1865 में, ठीक है, लेकिन पब्लिकेशन के बाद भी फॉर सेवरल रीजन्स, वो 4 रीजन का जिक्र एनसीईआरटी बुक में है, फॉर सेवरल रीजन्स मेंडल का जो ये वर्क था वो अनरिकग्नाइज्ड रह गया, दुनिया को पता ही नहीं चल पाया ईयर 1900 तक। तो याद रखिए कि पब्लिकेशन का ईयर जो था वो 1865 था, और दुनिया को मेंडल के काम का विस्तृत रूप से वर्णन या उसकी जानकारी 1900 में हुई, 1900 उसके बाद हुई। तो पहला पॉइंट जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस मेंशन है, तो हम पहले लिख लेते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में, ठीक है, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट एनसीईआरटी बुक में लिखा है कि मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड या कैरेक्टर कुछ भी लिखिए, इन 1865, ये एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है, 1865, but due to several reasons, लेकिन कुछ reasons की वजह से, उसमें 4 reasons जो है वो एनसीईआरटी बुक में mentioned है, उनका जिक्र भी हम करेंगे, due to several reasons his work was unrecognized till 1900, वही जब मेंडेलियन वर्क की रीडिस्कवरी हुई थी, तो ईयर 1900 ऑनवर्ड्स
दुनिया को पता चल गया कि अरे मेंडल नाम के साइंटिस्ट ने इतनी बड़ी खोज की थी, तो पब्लिश होने से लेकर के ईयर 1900 तक लगभग आप कह सकते हैं 35 साल तक दुनिया को मेंडल के कामों की महत्व का अंदाजा ही नहीं था। ठीक, क्योंकि दुनिया में जो मेंडल का काम था वो कुछ वजहों से या तो पहुंच नहीं पाया या साइंटिस्ट को मेंडल के काम में भरोसा नहीं रहा या मेंडल ने कुछ ऐसी टेक्निक यूज की थी, कुछ ऐसे विधि इस्तेमाल किए थे कि वो लोगों को हजम नहीं हो रहे थे। तो वही है सेवरल रीजंस के कारण मेंडल के कामों को दुनिया ने उनके जीते जी मान्यता नहीं दी और उनके कामों को मान्यता 1900 ईयर में मिली और उसके बाद फिर तो मेंडलिज्म की धूम मच गई। ये जो चार रीजंस रहे हैं वो क्या रहे हैं जिससे कि मेंडल को अपने समय में वो ख्याति नहीं मिल पाई जिसके वो हकदार थे? तो देखिए, एक तो सबसे पहला जो रीजन था, कि उस समय कम्युनिकेशन का माध्यम बहुत ही कम था तो उनके वर्क को पब्लिसिटी नहीं मिल पाई। तो ये ध्यान रखेंगे कि उस समय कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी, सो हिज वर्क वॉज नॉट पब्लिसाइज्ड। तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी। ठीक, तो उस समय कम्युनिकेशन जो था वो इजी नहीं था, सो हिज वर्क वॉज नॉट पब्लिसाइज्ड। ठीक है, तो हिज वर्क वॉज नॉट पब्लिसाइज्ड, यानी उनके काम को ख्याति नहीं मिल पाई, उनके काम की पब्लिसिटी नहीं हो पाई। पब्लिसिटी कैसे होती है? प्रचार प्रसार नहीं हो पाया, क्योंकि उनका जो पेपर छपा था वो लोकल न्यूज़पेपर में छपा था। अब लोकल न्यूज़पेपर ऑस्ट्रिया में ही उस समय के वहीं के लोग पढ़े होंगे, पूरे दुनिया में अमेरिका में इंग्लैंड में रशिया में कोई जान ही नहीं पाया कि मेंडल नाम के कोई साइंटिस्ट ने उन्होंने कुछ किया है। तो कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी, तो कम्युनिकेशन उस समय ईजी नहीं था और इसके कारण उनका वर्क जो है वो पब्लिसाइज नहीं हो पाया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद दूसरा जो रीजन था, एक तो रीजन ये हो, दूसरा जो रीजन था वो रीजन था कि इन्होंने जो जीन का या फैक्टर का कंसेप्ट दिया था, ठीक है, हिज कंसेप्ट ऑफ जीन, जिसको वो जीन नहीं कहते थे, क्या कहते थे? फैक्टर कहते थे। ठीक है, फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट, his concept of gene a factor for inheritance of trait was unacceptable to many biologists of that time, उस समय यदि कुछ साइंटिस्ट के हाथ में मेंडल का काम लगा भी तो उनके वो कंसेप्ट ऑफ जीन या कंसेप्ट ऑफ फैक्टर से सहमत नहीं थे। क्यों नहीं सहमत थे? क्योंकि मेंडल ने ये बताया था कि एलील्स जो होते हैं वो पेयर फॉर्म में आते हैं, जैसे कैपिटल टी एलील और स्मॉल टी एलील, ये पेयर फॉर्म में है। ठीक, लेकिन जब इंडिविजुअल में जाते हैं गैमेट के थ्रू तो ये अलग अलग हो जाते हैं। तो मान लो ये 10 सेंटीमीटर लंबाई के लिए रिस्पॉन्सिबल एलील है और ये 5 सेंटीमीटर लंबाई रिस्पॉन्सिबल के लिए एलील है, तो इनकी जो प्रोजीनी होगी वो या तो 10 सेंटीमीटर लंबाई वाली होगी या 5 सेंटीमीटर लंबाई वाली होगी, यानी कि दोनों एलील ब्लेंडिंग नहीं दिखाते, नो ब्लेंडिंग ऑफ एलील इज सीन, यानी एलील की ब्लेंडिंग नहीं होती, ये ध्यान रखेंगे। तो नो ब्लेंडिंग ऑफ एलील इज सीन, मेंडल ने यह बताया। तो जैसे ही ये बोला कि एलील की ब्लेंडिंग नहीं होती है तो तमाम जगहों पर, ये ध्यान रखेंगे, तमाम जगहों पर या तमाम केसेस में ऐसे भी एग्जांपल मिलते हैं। मतलब मटर के पौधे में तो ये था कि एक टॉल प्लांट था, एक डॉट प्लांट था, और टॉलनेस का एलील कैपिटल टी है, डॉटनेस का एलील स्मॉल टी है, तो उनकी प्रोजीनी या तो टॉल होगी या तो डॉर्फ। अब टॉल मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, डॉर्फ मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, लेकिन ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर हैं अदर एनिमल्स में जहां इंटरमीडिएट ट्रेट भी आते हैं।
जैसे मान लो ह्यूमन की ही अगर हाइट की बात करें तो कुछ ह्यूमन 6 फीट लंबे होंगे, कुछ ह्यूमन 5 फीट 10 इंच लंबे होंगे, कुछ ह्यूमन 5 फीट 9 इंच लंबे होंगे, ठीक है ना, 5 फीट। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इस तरह से ह्यूमन की लंबाई में वेरिएशन होता है। कुछ ह्यूमन 5 फीट 7 इंच लंबे होंगे, ठीक, कुछ ह्यूमन जो है वो 4 फीट 10 इंच लंबे होंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें ट्रेट जो है यही नहीं है, बहुत सारे ट्रेट है एक ही कैरेक्टर के। लेंथ, अगर ह्यूमन लेंथ देखें तो बहुत सारे ट्रेट दिख रहे हैं, यानी कॉन्टिन्यूस वेरिएशन इसको बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस वेरिएशन इसको कहा जाता है। तो यहां पर कोई एक, आप नहीं कह सकते कि एक एक्सट्रीम जैसे एक टॉल है और ये ड्वार्फ है, तो ये बीच का कैरेक्टर कहां से आया, ये बीच का कैरेक्टर कहां से आया जब एलील की ब्लेंडिंग नहीं होती है। तो मेंडल ने ये कहा कि भैया किसी भी कैरेक्टर या किसी भी ट्रेट के इनहेरिटेंस के लिए एक कारक जिम्मेदार होता है, कारक मतलब फैक्टर जिम्मेदार होता है, उसी को हम जीन कहते हैं आज के समय में, ठीक है। और ये जो फैक्टर्स होते हैं वो एलीलिक पेयर, ये पेयर में पेयर फैक्टर्स होते हैं, यानी ये पेयर फॉर्म में होते हैं, जीन पेयर के रूप में पाया जाता है, उसी को एलीलिक पेयर कहते हैं। और जब दो एलील पेयर में रहते हैं तो वो उनके उनकी प्रॉपर्टीज मिक्स नहीं होती हैं, ब्लेंड नहीं होते हैं। तो साइंटिस्ट का कहना था कि जब इनकी प्रॉपर्टी ब्लेंड नहीं होती है तो जो दो एक्सट्रीम ट्रेट है, मान लो ये डॉल है डॉर्फ है, तो ये बीच के ट्रेट कैसे आ जाते हैं दूसरे एनिमल्स में, और दूसरे किसी किसी भी कैरेक्टर को ले लीजिए, कलर को ले लीजिए, मान लीजिए रेड कलर है व्हाइट कलर है तो बीच में पिंक कलर, लाइट पिंक, लाइट रेड, व्हाइट में भी कई शेड होते हैं, वो सब कहां से आ जाते हैं। तो भाई कोई चीज जब नया नया दुनिया में आता है तो उसको काटने वाले तर्क भी बहुत सारे मौजूद रहते हैं, और साइंटिस्ट तो काटेंगे, उनका काम ही है काटना, तर्क से साबित करो। तो मेंडल का जो कंसेप्ट ऑफ जीन या फैक्टर था फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट, वो बहुत सारे बायोलॉजिस्ट को एक्सेप्टेबल नहीं था, ठीक है ना। और उन्होंने जो कहा था कि एलील ऑकर इन पेयर और एलील्स जो है वो ब्लेंड नहीं करते, उनकी प्रॉपर्टीज ब्लेंड नहीं करती हैं, उससे कॉन्टिन्यूस वेरिएशन जो जो अपेरेंट होता है, जो दिखाई देता है, वो साबित नहीं कर पाए, ठीक है। आई बात समझ में कि ये जो कॉन्टिन्यूस वेरिएशन हो रहा है, मान लीजिए रेड फ्लावर और व्हाइट, ये रेड फ्लावर का एलील है व्हाइट फ्लावर का एलील है, तो वो अपने प्रोजीनी में केवल रेड और व्हाइट फ्लावर ही दिखाए, लेकिन और दूसरे केसेस में खाली रेड और व्हाइट ही नहीं होता है, रेड लाइट रेड डार्क रेड, रेड में भी 50 शेड आते हैं, व्हाइट में भी कई तरह के शेड आते हैं, पिंक भी आता है उसी में, तो वो सब किससे आए जब ब्लेंडिंग नहीं हुई, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार था, समझना। तो ये जो था दूसरा रीजन था। तीसरा रीजन की बात हम कर रहे हैं, जो थर्ड रीजन था वो मैं ही लिख देता हूँ, मेंडल ने बायोलॉजी में मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया। बायोलॉजी बिल्कुल अलग विषय है, उसमें मैथ्स जब घुसाएंगे तो बहुत लोगों को मैथ्स समझ में ही नहीं आएगी, क्योंकि मैथ्स की उनको जानकारी नहीं कि मैथ्स को कैसे अप्लाई कर सकते हैं बायोलॉजी में। तो यूज ऑफ मैथमेटिक्स भी एक बहुत बड़ी वजह रहा कि साइंटिस्ट उसको एक्सेप्ट नहीं किए, बायोलॉजिस्ट उसको एक्सेप्ट नहीं किए, यानी यूज ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स यूज ऑफ मैथमेटिक्स ये भी बहुत सारे बायोलॉजिस्ट को अनएक्सेप्टेबल रहा कि भैया बायोलॉजी में कैसे आप मैथमेटिक्स को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए चौथा रीजन क्या था, चौथा रीजन था कि ये कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए जीन्स का या फैक्टर का। बोले कि कोई चीज है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रेड को लेके जाता है, प्रॉपर्टी को लेके जाता है, तो वो चीज दिखा नहीं पाए वो किस चीज का बना है। अगर बना है बता देते तो फिजिकली आप साबित कर देते कि हाँ ये चीज होती है। तो चौथा रीजन था कि फिजिकल जो जीन की फिजिकल अपीयरेंस का सबूत नहीं दे पाए। तो ये ध्यान रखेंगे कि यहां पर एनी फिजिकल प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ could not provide any physical could not provide any physical proof for the existence of factor physical proof for the existence of factor factor मतलब जीन, यानी जीन का जीन होता है कि नहीं इसका कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए, फिजिकल दिखा नहीं पाए जीन को, दिखाने के लिए बताना पड़ता जीन किस चीज का बना है, यानी जीन किसका बना हुआ है, जीन किस चीज का बना है, ठीक है, यानी जीन इज मेड
अप ऑफ विच मटेरियल, ये नहीं पता है। क्योंकि अगर ये बता देते कि जीन किसी चीज का बना है तो लोग उस चीज को देख लेते। ईयर 1900 में तीन साइंटिस्ट, ह्यूगो डी ब्रीस, कार्ल कोरेंस और एरिच वॉन शर्मा ने इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर किया मेंडल्स वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं। तो एनसीईआरटी बुक ने यहाँ पर इस चीज को मेंशन किया है, तो आप इसको लिख ले, ठीक है। तो इन 1900, ठीक है, थ्री साइंटिस्ट, डी ब्रीस, कोरेंस और शर्मा, ठीक है, तो TSCH ERMAKE, एरिच वॉन शर्मा, एनसीईआरटी बुक में इसको शॉर्ट में लिखा है। तो ह्यूगो डी ब्रीस, कोरेंस और शर्मा इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड मेंडेलियंस वर्क, रीडिस्कवर्ड मेंडल्स रिजल्ट्स ऑन, जो काम करके उन्होंने रिजल्ट दिया था, जो काम करके उन्होंने रिजल्ट बताया था, तो रीडिस्कवर्ड मेंडल्स रिजल्ट्स ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, ठीक। तो ईयर 1900 में जब इन साइंटिस्टों ने अलग अलग स्वतंत्र रूप से जब मेंडल के कामों पर काम किया और उनके रिजल्ट को एनालाइज किया और दुनिया को बताया कि ये चीज खोजी गई है, तो उसी समय माइटोकॉन्ड्रिया, उसी समय माइक्रोस्कोप की ऑलरेडी डिस्कवरी तो हो चुकी थी, उसमें सुधार चल रहा था। तो एट द सेम टाइम एडवांसमेंट इन माइक्रोस्कोपी ये भी चल रहा था, माइक्रोस्कोपी एंड स्टडीज ऑन सेल डिवीजन पर स्टडी भी चल रही थी। तो एट द सेम टाइम लगभग इसी के आसपास 1901 के दौरान माइक्रोस्कोपी में एडवांसमेंट भी हो रहा, स्टडीज ऑन सेल डिवीजन वे गोइंग ऑन। तो इसके वजह से न्यूक्लियस के अंदर के स्ट्रक्चर्स खोजे गए, स्ट्रक्चर्स इनसाइड न्यूक्लियस वर डिस्कवर्ड, यानी स्ट्रक्चर्स इनसाइड न्यूक्लियस वर डिस्कवर्ड, समझ में? तो स्ट्रक्चर्स इनसाइड न्यूक्लियस वर डिस्कवर्ड दैट डबल्ड एंड डिवाइडेड ड्यूरिंग सेल डिवीजन, दैट डबल बिफोर ईच सेल डिवीजन एंड डिवाइडेड ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है, एंड डिवाइडेड आफ्टर ड्यूरिंग सेल डिवीजन इंटू डॉटर सेल्स, समझ में? मतलब ये हुआ कि जो जब सन 1900 के आसपास जब तीन साइंटिस्टों ने अलग अलग स्वतंत्र रूप से मेंडल के काम की पुनः खोज की और दुनिया को मेंडल के रिजल्ट के बारे में बताया, लगभग उसी समय माइक्रोस्कोपी का एडवांसमेंट भी हो रहा था, और उसके कारण माइक्रोस्कोप के ही मदद से सेल डिवीजन देख पाएंगे, तो उसके कारण
सेल डिवीजन का अध्ययन भी बड़े जोर शोर से चल रहा था, तो उसी दौरान न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स खोजे गए जो कि सेल डिवीजन के ठीक पहले डबल हो जाते थे और ड्यूरिंग सेल डिवीजन जो है वो डिवाइड हो जाते थे, बट जाते थे डॉटर सेल्स में, और इन्हीं स्ट्रक्चर को कहा गया क्रोमोसोम्स। यानी मेंडल ने जब फैक्टर की बात की थी तो उस समय दुनिया को न तो क्रोमोसोम के बारे में पता था न तो जीन के बारे में पता था। तो क्रोमोसोम और जीन के बारे में जानकारी तो ये 1900 के बाद आई। तो कैसे मेंडल की बातों को लोग समझ पाते कि कोई चीज जा रहा है तो कैसे जा रहा है जब क्रोमोसोम के बारे में नहीं पता है। तो क्रोमोसोम का मेंडल के समय में न खोजा जाना, अब क्रोमोसोम देखने के लिए माइक्रोस्कोप एडवांस माइक्रोस्कोप होना चाहिए, तो मेंडल के समय एडवांस माइक्रोस्कोप भी नहीं था कि मेंडल जो कह रहे थे चलो उसको ढूंढने की कोई कोशिश भी करे। तो इसलिए माइक्रोस्कोप का न होना, उपयुक्त माइक्रोस्कोप का न होना, जिस एडवांस माइक्रोस्कोप का न होना, प्लस सेल डिवीजन के बारे में विशेष जानकारी न होना, क्रोमोसोम के बारे में जानकारी न होना, जीन्स के बारे में जानकारी न होना, लोगों का बेसिकली अनअवेयर होना इन सब चीज़ों से, एक यही तो वजह थी कि जिससे कि साइंटिस्ट मानने को तैयार नहीं थे कि कोई चीज़ जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती है, जिसको मेंडल ने फैक्टर कहा था। तो वही चीज़ है। तो जब रीडिस्कवरी जो मेंडेलियन वर्क की हुई और उस रीडिस्कवरी के साथ साथ जब सेल डिवीजन की स्टडी लोग किए और क्रोमोसोम की खोज हुई, तब लोगों को यकीन होना शुरू हो गया अरे क्रोमोसोम तो एक सेल से दो सेल में चले जाते हैं, यानी पैरेंटल सेल की प्रॉपर्टी को डॉटर सेल में लेके जाते हैं, इनहेरिटेंस गया ना क्रोमोसोम के जरिए। तो ये ध्यान रखिएगा कि क्रोमोसोम की खोज एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था मेंडल के वर्क को दुनिया तक, दुनिया के साइंटिस्टों तक पहुंचाने में, उनको समझाने में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और क्रोमोसोम जो है उसका मतलब होता है कलर्ड बॉडीज। तो क्रोमोसोम को एनसीईआरटी ने लिखा है कलर्ड बॉडीज, क्योंकि ये तभी देखा जा सकता है जब इसको हम स्टेन कर सकते हैं, कैन बी विजुअलाइज्ड ओनली आफ्टर स्टेनिंग, ओनली आफ्टर स्टेनिंग। तो इसको विजुअलाइज किया जा सकता है केवल स्टेन करके ही। और सेल डिवीजन में क्रोमोसोम के मूवमेंट को भी ऑब्जर्व किया गया था। तो क्रोमोसोम मूवमेंट या क्रोमोसोम बिहेवियर वाज ऑब्जर्व, क्रोमोसोम मूवमेंट या उसी को क्रोमोसोम बिहेवियर भी कहते हैं। तो क्रोमोसोम मूवमेंट या क्रोमोसोम बिहेवियर वाज ऑब्जर्व, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, ऑब्जर्व ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। और इसी में साइंटिस्ट का नाम आता है 1902 में, ये बेसिकली क्रोमोसोम का मूवमेंट कैसे होता है, मियोसिस के दौरान जब गैमीट बनते हैं, सटन और बोवरी नाम के साइंटिस्ट ने क्रोमोसोमल मूवमेंट को ऑब्जर्व किया था, बताया था कि क्रोमोसोम कैसे मूव करते हैं मियोसिस के दौरान। तो सटन एंड बोवरी ने क्रोमोसोमल बिहेवियर को ऑब्जर्व किया और इनको कंपेयर किया मेंडल का जो फैक्टर का बिहेवियर था, जिसको हम जीन्स कहते हैं, ठीक है। तो सटन एंड बोवरी ने क्या किया, तो सटन एंड बोवरी ने क्या किया, उसको एक तरह से कंपेयर किया जीन के बिहेवियर के साथ। तो वाल्टर सटन, ठीक है, एंड थियोडोर बोवरी, एंड थियोडोर बोवरी, ठीक है, इन्होंने वास्तव में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक। एनसीईआरटी बुक ने सटन का जिक्र किया है, तो अगर सटन अलग से दे देगा तब तो सटन एनसीईआरटी करिएगा, लेकिन सटन और बोवरी दोनों मिला के देगा तो सटन एंड बोवरी दोनों के हिस्से में आएगा, हिस्से में आएगा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसमें सबसे पहला काम क्या था कि सटन एंड बोवरी ने क्या किया था, इन्होंने बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम इज बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम इज पैरेलल टू बिहेवियर ऑफ
is parallel to behavior of genes. या जिसको फैक्टर कहते हैं। तो ये सटल एंड बोवेरी ने ये बताया था, ये नोट किया था, ठीक है। एंड यूज क्रोमोसोमल मूवमेंट एंड यूज क्रोमोसोमल मूवमेंट पूरी एनसीईआरटी की लाइन में डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं। एंड यूज क्रोमोसोमल मूवमेंट, और इन्होंने क्रोमोसोमल मूवमेंट को इस्तेमाल किया टू एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ, मेंडल्स लॉ यानी क्रोमोसोमल मूवमेंट के मदद से उन्होंने मेंडल्स लॉ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और उन्होंने क्रोमोसोम के बिहेवियर को जीन्स के बिहेवियर के पैरेलल पाया। दे ऑब्जर्व, उनका ऑब्जर्वेशन था बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम इज पैरेलल टू बिहेवियर ऑफ जीन, एंड यूज्ड क्रोमोसोमल मूवमेंट टू एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ। तो सवाल देखिए कैसे आ सकता है। तो ये जो क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, ये आप समझ सकते हैं 1902 के आसपास दिया गया था, उसी के इसी ईयर में 1902-1903 के सेशन में ही दिया गया था। और ये तब दिया गया था जब सेल डिवीजन पर लोग काम कर रहे थे, माइक्रोस्कोप का एडवांसमेंट हो गया था, क्रोमोसोम की खोज की जा चुकी थी, तब ये चीज देखा गया। आप लोग सेल डिवीजन चैप्टर पढ़े होंगे जिसमें मियोसिस में भी क्रोमोसोमल मूवमेंट होता है और माइटोसिस में भी क्रोमोसोमल मूवमेंट होता है। माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है और मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है। तो अब थोड़ा सा जो माइटोसिस और मियोसिस के दौरान जो इक्वेशनल माइटोसिस और मियोसिस के दौरान जो क्रोमोसोमल मूवमेंट होता है उस पर भी थोड़ा हम लोग लाइट डालेंगे, उसको भी अब समझने की कोशिश करेंगे, स्पेशली मियोसिस के समय जो है वो कैसे क्रोमोसोम का मूवमेंट होता है। आप लोग याद रखें कि जब मियोसिस डिवीजन होता है तो क्रोमोसोम का बंटवारा होता है डॉटर सेल्स में, ठीक है, और क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है, होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है वो पेयर करते हैं मेटाफेज फर्स्ट में, मियोसिस फर्स्ट की मेटाफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम जो है वो क्रोमोसोम पेयर फॉर्म में इक्वेटर पर आ जाते हैं, और एनाफेज फर्स्ट में वो जो होमोलॉगस पेयर है, जो क्रोमोसोम पेयर है, उस होमोलॉगस पेयर के दोनों क्रोमोसोम अपोजिट पोल पर मूव करते हैं। तो इस मूवमेंट की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं उसको एनसीईआरटी बुक ने चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश की है, आइए उसको समझते हैं। अब जैसे देखिए, मान लीजिए एक सेल है, उसके अंदर ये क्रोमोसोम है, ये हम ऐसे क्रोमोसोम बना दे रहे हैं, ठीक है, ये क्रोमोसोम है, दो पेयर क्रोमोसोम हम दिखाते हैं, और ये क्रोमोसोम है इस तरह से, ठीक। क्रोमोसोम पर जरा ध्यान दीजिएगा, ये क्रोमोसोम मूवमेंट की बस बात कर रहे हैं, हालांकि इसमें क्रॉसिंग ओवर भी होता है, वो तमाम चीजें होती है, बट यहां पर हमको सिर्फ क्रोमोसोम मूवमेंट देखना कैसे होता है। तो ये चीज हमने बना दिया है, ये थोड़ा कलर मैं चेंज कर रहा हूं ताकि आप सबको पहचान सके। तो यहां पर आप देख रहे हैं फोर क्रोमोसोम्स है, ठीक। ये जीवन फेज में, किस फेज में है ये जो चित्र है, ये किस फेज का है, ये जीवन फेज का है, याद रखिएगा जीवन फेज। और जीवन के बाद कौन सा फेज आता है सेल साइकिल का, एस फेज आता है, जिसमें डीएनए डुप्लीकेशन होता है, क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होता है, लेकिन सेंट्रोमियर से जो जब क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होगा तो क्रोमोसोम तो डबल हो जाएंगे लेकिन सेपरेट नहीं होगा सेंट्रोमियर से, तो गिनेंगे उनको एक ही। तो जी टू फेज में क्या हो जाएगा, जी टू फेज में देखिए क्या हो जाएगा, जी टू फेज में ये क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन हो जाएगी, लेकिन जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम होगा वो सेपरेट नहीं होगा, इसी के साथ सेंट्रोमियर से चिपका रहेगा, ठीक। इसको सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे, क्या कहेंगे, इसको सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे, ऐसे ही सारे क्रोमोसोम के साथ आप बना, ठीक, जितने भी क्रोमोसोम है सब डुप्लीकेट हो जाएंगे, हो गया, जो जिस कलर से बनाया है उसको उसी कलर से आप बना, समझिए, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद फिर
मियोसिस फर्स्ट का मेटाफेज फर्स्ट पर सीधे आ जाए, प्रोफेज फर्स्ट में क्रॉसिंग ओवर हुआ, पेयरिंग हुई, वो सब होमोलॉगस पेयर की। तो मान लेते हैं कि फोर क्रोमोसोम है, और जब हम मेटाफेज फर्स्ट में आते हैं, किस फेज में आते हैं, मेटाफेज फर्स्ट में, मेटाफेज फर्स्ट में आते हैं मियोसिस फर्स्ट के, मियोसिस फर्स्ट के मेटाफेज फर्स्ट में आते हैं, तो क्या होता है? तो वहां पर आप देखेंगे कि होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयरिंग तो पहले से ही हुई रहती है, ये इक्वेटर पर आते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो मान लेते हैं ये जो क्रोमोसोम है ये होमोलॉगस है, ये क्रोमोसोम होमोलॉगस है, जो कि प्रोफेज फर्स्ट में ही उनकी पेयरिंग हो जाती है, इसकी पेयरिंग इसके साथ, इसकी पेयरिंग इसके साथ। प्रोफेज फर्स्ट से पहले पेयरिंग नहीं होती है, तो इसके पहले आपको क्रोमोसोम पेयर्ड फॉर्म में नहीं दिखेंगे, ना G1 में ना G2 में। पेयर्ड फॉर्म में कब पहली बार दिखेंगे? प्रोफेज फर्स्ट में, और मेटाफेज में उसी पेयर्ड फॉर्म में होते हुए इक्वेटर पर चले आएंगे। तो आपने ऐसे दिखा दिया, इसके साथ पेयरिंग इसकी दिखा दी, देखिए दिखा दी, और इसकी पेयरिंग इसके साथ दिखा दी, इसकी पेयरिंग इसके साथ दिखा दी, कोई भी ऐसे बना दिया, कोई भी ऊपर नीचे बना दिया, पेयर्ड फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब देखिए, तो इनको बोला जाएगा होमोलॉगस पेयर, ये ध्यान रखेंगे। ये हो गया मियोसिस फर्स्ट का, ये होमोलॉगस, होमोलॉगस पेयर ऑकरिंग एट इक्वेटर, ये इक्वेटर पर। तो ये जो होमोलॉगस पेयर ऑकरिंग एट इक्वेटर है, इन्हीं को बाइवेलेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाइवेलेंट, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद जब हम एनाफेज फर्स्ट देखेंगे, मेटाफेज के बाद, एनसीईआरटी बुक में मेटाफेज फर्स्ट नहीं दिया है, एनाफेज फर्स्ट सीधे बना दिया है, जिसको कि मेटाफेज फर्स्ट लिखना था उसको एनाफेज फर्स्ट लिख दिया। एनाफेज में तो मूवमेंट होता है ना, अपोजिट पोल पर, ये स्पिंडल अपरेटस अटैच होते हैं बेटा, ठीक है। तो ये इक्वेटर है। अब इसके बाद जब आप एनाफेज फर्स्ट बनाएंगे तो क्या देखें, एनाफेज फर्स्ट जब आप बनाएंगे मियोसिस फर्स्ट का, तो आप पाएंगे कि ये क्रोमोसोम अपोजिट पोल पर चले गए, मतलब मूव कर रहे हैं, ये इधर चला गया, ठीक। जो बाइवेलेंट है ये अपोजिट अलग हो गए, पहले दोनों को बाइवेलेंट कहते हैं, लेकिन जब सेपरेट हो जाते हैं दोनों पेयर तो अलग हो गए, और उसी तरह से ये वाला घर चला गया, और ये क्रोमोसोम भी घर चला गया, ठीक। और उसके बाद जब टीलोफेज आता है तो उनके बीच में यहां एक वॉल बन जाती है, तो दो डॉटर सेल बन गए। अब उसके बाद उस दो डॉटर सेल में फिर मियोसिस सेकंड होता है, और दो डॉटर सेल में जब मियोसिस सेकंड होता है तो उसका भी एनाफेज स्टेज आएगा। तो अब सीधे हम यहां दिखा देते हैं, फिर आगे चल करके इनके बीच में वॉल बननी शुरू हो जाएगी, टीलोफेज स्टेज में दो डॉटर सेल बन गए। अब हम यहाँ पर दो डॉटर सेल दिखा देते हैं, मान लेते हैं कि दो डॉटर सेल जो है, मैं यहाँ बाइवेलेंट लिख दे रहा हूँ। अब जो दो डॉटर सेल बन गए, ठीक, इसमें ये दो एक डॉटर सेल में, ये दो एक डॉटर सेल चले चले गए। अब उसके बाद इन दोनों डॉटर सेल में फिर मियोसिस सेकंड होगा, और मियोसिस सेकंड का जब एनाफेज आएगा, यानी एनाफेज सेकंड उसको बोलते हैं, एनाफेज सेकंड, मियोसिस सेकंड का, ठीक है। तो या मेटाफेज सेकंड हम लिखेंगे, मेटाफेज सेकंड की बात करेंगे, मेटाफेज सेकंड, क्योंकि एनसीईआरटी बुक मेटाफेज स्टेज को स्किप कर रही है, सीधे एनाफेज एनाफेज पर आ रही है, तो मेटाफेज आने की जरूरत।
तो मेटाफेज सेकंड जब आएगा तो ये दोनों क्रोमोसोम फिर अब इस सेल के इक्वेटर पर आएंगे और ये दोनों क्रोमोसोम इस सेल के फिर इस इक्वेटर पर आएंगे। तो आप ऐसे बना लीजिए, देखिए ध्यान से, ये क्रोमोसोम है और ये वाला क्रोमोसोम है इस सेल में जो चला गया है डॉट वाला, और ये वाला क्रोमोसोम है जो इस सेल में है डॉट वाला रेड, और ये वाला क्रोमोसोम ये है। ओके, ये देखिए मेटाफेज स्टेज, मेटाफेज सेकंड स्टेज, क्लियर, ये हो गया। तो ये ध्यान आपको रखना है, ठीक। और इसके बाद फिर एनाफेज स्टेज होगा, तो ये सिस्टर क्रोमेटिड का सेपरेशन होगा, सेंट्रोमियर का ब्रेकेज यहां होगा। देखो यहां पे सेंट्रोमियर ब्रेकेज नहीं हुआ था, मतलब इस एनाफेज में नो सेंट्रोमियर ब्रेकेज, लेकिन मेटाफेज सेकंड के बाद एनाफेज आएगा, जब यहां एनाफेज आएगा तो ये ध्यान रखना है ये सेंट्रोमियर का ब्रेकेज होगा, ठीक है, और उससे दोनों सिस्टर क्रोमेटिड अपोजिट पोल पर जाएंगे, ठीक है, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड अपोजिट पोल पर जाएंगे। देखो कैसे, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड आपस में सेंट्रोमियर से जुड़े हैं, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो गई ऐसे, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो गए, ओके, और इसी तरह से ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड भी सेपरेट हो गए। तो सिस्टर क्रोमेटिड का सेपरेशन मियोसिस सेकंड के एनाफेज सेकंड में होता है, ये दिस इज एनाफेज सेकंड, ये एनाफेज सेकंड होता है, ये एनाफेज सेकंड होता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये आप बना रहे और उसके बाद फिर ये देखिए चार सेल बन जाती है जिनके बीच में वॉल बन जाएगी, तो इस तरह से ये चार सेल बन जाएगी अलग अलग। ये देखिए क्रोमोसोम्स, ध्यान से देखिएगा ओरिजिनल क्रोमोसोम यही है ये, और इसमें देखिए ये डॉट वाला है, चित्र को बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें चार क्रोमोसोम थे पेरेंट सेल में और जो चार डॉटर सेल बनी सब में दो दो क्रोमोसोम थे, दो क्रोमोसोम, ठीक। और किस तरह से क्रोमोसोम का मूवमेंट और बंटवारा हुआ है, डुप्लीकेशन और डिवीजन, वो आपको यहां पर एनसीईआरटी बुक ने दिखाया है। यहां जो एग्जांपल अभी जस्ट बताया गया कि जो दो क्रोमोसोम पेयर होते हैं वो अलाइन होते हैं मेटाफेज फर्स्ट में इक्वेटर पर, और इसमें से हर क्रोमोसोम पेयर दूसरे क्रोमोसोम पेयर से इंडिपेंडेंट अलाइनमेंट दिखाता है, यानी एक होमोलॉगस पेयर में जो फादर का क्रोमोसोम है और जो मदर का क्रोमोसोम है एक होमोलॉगस पेयर में उसका अलाइनमेंट, और जो दूसरा होमोलॉगस पेयर होगा उसमें जो फादर का क्रोमोसोम और मदर का क्रोमोसोम होगा उसका अलाइनमेंट दूसरे होमोलॉगस पेयर के अलाइनमेंट से डिफरेंट होता है। और इसमें दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं डॉटर सेल्स बनने की, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, एनसीईआरटी बुक ने उसको समझाया है। देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, एक बार फिर हम यहाँ एक सेल को ऑब्जर्व करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसको समझिए क्या समझा रहा है एनसीईआरटी बुक, ठीक है। देखिए ये मान लो एक क्रोमोसोम है, ये मान लो दूसरा क्रोमोसोम है, ये दोनों ही होमोलॉगस क्रोमोसोम है लेकिन अभी पेयर नहीं बनाएंगे, पेयर तो प्रोफेज फर्स्ट में बनाते हैं सिनेप्सिस जब होता है, और ऐसे ही एक दूसरा क्रोमोसोम का पेयर है, यही चित्र हमने इसके पहले भी बनाया था, ये दूसरा होमोलॉगस क्रोमोसोम है जो कि पेयर नहीं बना रहा, ठीक। मान लेते हैं ये एक होमोलॉगस क्रोम, ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं, ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स
पर सेम जीन होते हैं और एक क्रोमोसोम फादर से आता है तो दूसरा क्रोमोसोम कहां से आता है? मदर से आता है। उसी तरह से ये दोनों भी होमोलॉगस क्रोमोसोम है, रेड वाले होमोलॉगस क्रोमोसोम और ब्लैक वाले भी होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये एक दूसरे के होमोलॉगस है, ये एक दूसरे के होमोलॉगस है, इन दोनों पर सेम कैरेक्टर के जीन्स है। ये जो क्रोमोसोम है मान लेते हैं ये फादर से आया है और ये वाला जो क्रोमोसोम है ये तो फादर से आया, ये क्रोमोसोम कहां से आया? मदर से आया। मतलब ये हुआ कि जब स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है तो स्पर्म क्रोमोसोम को लेके फादर के तरफ से आता है, ओवम क्रोमोसोम को लेके मदर के तरफ से आता है, जब जायगोट बनता है तो फादर वाला क्रोमोसोम और मदर वाला क्रोमोसोम दोनों ही आ जाते हैं सेम न्यूक्लियस में। तो वही चीज है कि सेम न्यूक्लियस में ये दोनों क्रोमोसोम, जैसे ये क्रोमोसोम स्पर्म से आया है और ये क्रोमोसोम ओवम से आया है, ठीक उसी तरह से ये क्रोमोसोम स्पर्म से आया है, ये क्रोमोसोम ओवम से आया है, यानी स्पर्म में ये दोनों क्रोमोसोम थे और ओवम में ये दोनों क्रोमोसोम थे। जैसे फादर में दो क्रोमोसोम थे, क्रोमोसोम वन एंड क्रोमोसोम टू, तो क्रोमोसोम वन एंड क्रोमोसोम टू, तो मदर में भी दो क्रोमोसोम थे, क्रोमोसोम वन एंड क्रोमोसोम टू, तो मदर में भी क्रोमोसोम वन पर जो जीन होगा फादर में भी क्रोमोसोम वन पर वही ना जीन होगा, मदर में क्रोमोसोम टू पर जो जीन होगा फादर में भी क्रोमोसोम टू पर वही ना जीन होगा। तो फादर का क्रोमोसोम वन और मदर का क्रोमोसोम वन दोनों जब स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से जब एक जायगोट में आएंगे तो होमोलॉगस क्रोमोसोम कहे जाएंगे। उसी तरह से फादर का क्रोमोसोम 2 और मदर का क्रोमोसोम 2 जब जायगोट में आएंगे साथ में स्पर्म और ओवम के जरिए तो वो होमोलॉगस क्रोमोसोम कहे जाएंगे। तो 1-1 होमोलॉगस, 2-2 होमोलॉगस, 1 ये फादर वाला वन है, ये मदर वाला वन है, ये फादर वाला 2 है, ये मदर वाला 2, ठीक ये बिखरे रहते हैं न्यूक्लियस में, लेकिन इनके पेयरिंग प्रोफेज फर्स्ट में होती है मियोसिस के और मेटाफेज स्टेज में ये इक्वेटर पर चले आते हैं। लेकिन सेल डिवीजन से पहले आपको मालूम है क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होता है, तो इसका डुप्लीकेशन होगा, तो इसका डुप्लीकेशन होता है, तो ये मान लो G1 फेज था, तो इसका अगर डुप्लीकेशन होगा S फेज में तो सब डबल हो जाएंगे, लेकिन सेंट्रोमियर से चिपके रहेंगे और सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएंगे, तो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम होगा, जैसा कि इसके ठीक पहले आपको हम बताएं, तो आप बनाइए। तो अब आप G2 फेज में जब आप डायग्राम देखेंगे तो यही अब इसमें दो दो क्रोमेटिड दिखने लगेगा, इसमें भी दो, क्योंकि सेम ऐसे, समझ में। अब ये वाला क्रोमोसोम बनाइए तो इसमें भी डुप्लीकेशन दिखाएंगे आप एस फेज में, ठीक, और ये वाला भी बना, ये डॉट वाला, तो ये हो गया G2 फेज में, आपको कुछ ऐसे दिखेंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स दिख जाएंगे हर क्रोमोसोम में, ये हो गया सिस्टर क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड, और सिस्टर क्रोमैटिड कब बनते हैं? क्रोमोसोम के डुप्लीकेशन की वजह से बनते हैं S फेज में, ठीक है। तो S फेज में डुप्लीकेशन होता है क्रोमोसोम का, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम, और डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम होने से क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं हो जाएगा, क्रोमोसोम डबल हुआ लेकिन वो दोनों जो डबल हुए वो सटे ही हुए हैं तो नंबरिंग उनकी वन ही रहेगी, तो इसमें भी चार ही क्रोमोसोम होंगे, इसमें भी चार ही क्रोमोसोम काउंट करेंगे, तो टू, तो आप इसको लिखेंगे 2 पेयर क्रोमोसोम्स कहा जाता है या 4 क्रोमोसोम्स, समझ में आया, इसमें भी और इसमें भी, चार क्रोमोसोम इसमें भी है, चार क्रोमोसोम इसमें भी, ये क्लियर हुआ आपको? ठीक, 1-2, 1-2, ये मदर के साइड से है, ये फादर के साइड से, ठीक। अब इसके बाद इसका पेयरिंग करते हैं मेटाफेज स्टेज में, पेयरिंग होमोलॉगस पेयर इसकी प्रोफेज फर्स्ट में होगा और उसके बाद ये मेटाफेज फर्स्ट में अलाइनमेंट, असली अलाइनमेंट मेटाफेज फर्स्ट में देखना है। अलाइनमेंट आप समझिए, अलाइनमेंट ऑफ होमोलॉगस पेयर, होमोलॉगस पेयर, अलाइनमेंट ऑफ अ होमोलॉगस पेयर इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर होमोलॉगस पेयर, अनदर होमो
होमोलॉगस पेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी एक होमोलॉगस पेयर का जो एक्टिवेटर ड्यूरिंग मेटाफेज फर्स्ट, ड्यूरिंग मेटाफेज फर्स्ट, फिर से सुनिए, ऑफ मियोसिस फर्स्ट, ऑफ मियोसिस फर्स्ट, ठीक। तो अलाइनमेंट ऑफ अ होमोलॉगस पेयर इज इंडिपेंडेंट, या अलाइनमेंट ऑफ वन होमोलॉगस पेयर या वन क्रोमोसोम पेयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अलाइनमेंट ऑफ अनदर क्रोमोसोम पेयर या होमोलॉगस पेयर एट इक्वेटर ड्यूरिंग मेटाफेज फर्स्ट। A homologous alignment of a homologous pair is independent of another homologous pair at equator during metaphase first of meiosis first, ठीक है, ये बात समझ में आया। अब यहां पर ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि alignment जब होगा, ये जो alignment होगा, इस alignment में क्या क्या possibilities है, देखो एक उसका मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, दो पॉसिबिलिटीज यहां दिखा रहे, पॉसिबिलिटी वन एंड पॉसिबिलिटी टू, तो ये ध्यान समझिएगा, ठीक है। पॉसिबिलिटी वन, और एक पॉसिबिलिटी यहां दिखा देते हैं, मतलब इधर दिखा देते हैं, पॉसिबिलिटी टू, पॉसिबिलिटी टू, देखो पॉसिबिलिटी वन में क्या होगा, पॉसिबिलिटी वन में देखिए जो अलाइनमेंट है उसमें मान लेते हैं ये इक्वेटर है, ठीक, ऐसे देख लेते हैं ये इक्वेटर है, ये मेटाफेज फर्स्ट, ठीक। तो अलाइनमेंट जब होगा तो ऐसे भी अलाइनमेंट हो सकता है, ये मान लेते हैं ये पोल, ये एक डॉटर ए बनने वाली है, ये डॉटर क्या है बी बने, क्योंकि ही वॉल बनेगा आगे चल करके, तो ये डॉटर ए बनेगी, ये डॉटर बी बनेगी, ऐसे मान लेते हैं, इसके बीच का इक्वेटर। तो एक अलाइनमेंट ऐसा होगा कि फादर वाला क्रोमोसोम वन ऊपर और मदर वाला क्रोमोसोम वन नीचे, ये देखिए फादर वाला क्रोमोसोम वन ए साइड में और मदर वाला क्रोमोसोम वन बी साइड में, ठीक हो गया, और इसमें हो गया कि फादर वाला क्रोमोसोम टू ए साइड में और मदर वाला क्रोमोसोम टू बी साइड में, ठीक, ये क्रोमोसोम पेयर होमोलॉगस, होमोलॉगस पेयर टू, इसको बोलेंगे होमोलॉगस पेयर वन, होमोलॉगस पेयर वन। तो होमोलॉगस पेयर वन में जो फादर वाला क्रोमोसोम है वो ए की तरफ है, मदर वाला क्रोमोसोम बी की तरफ, और जो दूसरा होमोलॉगस पेयर है उसमें फादर वाला क्रोमोसोम ए की तरफ है और मदर वाला क्रोमोसोम बी की तरफ है, तो आप कहेंगे दोनों में फादर वाला क्रोमोसोम ए की तरफ आ रहा है, दोनों में ही मदर वाला क्रोमोसोम बी की तरफ आ रहा है। तो वही मैं कहना चाह रहा हूं कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये ऐसे भी हो सकता है, ये वाला ऊपर जा सकता है, ये वाला नीचे जा सकता है, या ये वाला ऊपर जा सकता है, ये वाला नीचे जा सकता है, ये चांस है। यानी इसमें अगर फादर वाला ऊपर गया है तो ये डिसाइड नहीं करेगा कि इसका वाला भी, इसमें भी फादर वाला क्रोमोसोम एक की तरफ ही रहेगा, वो ये कहने की कोशिश कर रहा है। यानी इसका जो अलाइनमेंट है, एक क्रोमोसोम पेयर का अलाइनमेंट, मतलब कि ए के तरफ कौन सा वाला क्रोमोसोम रहेगा, फादर का कि मदर का, या बी के तरफ कौन सा वाला क्रोमोसोम रहेगा, फादर का कि मदर का, वो अलाइनमेंट इसके अलाइनमेंट से डिफरेंट है। चांस है कि दोनों में फादर का फर्स्ट क्रोमोसोम, फादर का सेकंड क्रोमोसोम ए के तरफ है, मदर का फर्स्ट क्रोमोसोम, मदर का सेकंड क्रोमोसोम बी के तरफ है, उल्टा भी हो सकता है, वो पॉसिबिलिटी टू में दिखाई देगी, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है, या दूसरा पॉसिबिलिटी, दूसरी पॉसिबिलिटी है, ये हो सकती है कि ये इक्वेटर है, ये ए साइड वाली सेल बनने वाली फ्यूचर की, ये बी साइड वाली सेल बनने वाली है, इसमें मान लेते हैं फादर वाला ऊपर की तरफ और मदर वाला नीचे की तरफ, ठीक, और यहां पर मान लेते हैं ऊपर नीचे मतलब ए और बी साइड में, और यहां मदर वाला
समझ में आया, फादर वाला बी साइड की तरफ। अब देखिए इसको ध्यान से, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं लाया हमने, लेकिन इसमें तो कोई चेंज लाया, इसमें फादर का देखो, इसमें ये जो क्रोमोसोम है ये फादर का सेकंड क्रोमोसोम है, और ये जो क्रोमोसोम है ये मदर का सेकंड क्रोमोसोम है। मदर का सेकंड क्रोमोसोम बी के तरफ है, फादर का सेकंड क्रोमोसोम ए के तरफ है। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी में क्या है, वो इसमें होमोलॉगस पेयर में, होमोलॉगस पेयर में क्या देख रहे हो कि ये जो क्रोमोसोम है वो किसका है, मदर का है। मदर का सेकंड क्रोमोसोम है, और ये क्रोमोसोम किसका है, फादर का सेकंड क्रोमोसोम है। तो यहां फादर का सेकंड क्रोमोसोम बी साइड में है, मदर का सेकंड क्रोमोसोम ए साइड में है। और यहां पर क्या देख रहे हो, यहां फादर का फर्स्ट क्रोमोसोम ए साइड में है और मदर का फर्स्ट क्रोमोसोम बी साइड में है। तो मदर तो बी साइड में मदर का फर्स्ट क्रोमोसोम, बी साइड में मदर का सेकंड क्रोमोसोम, ए साइड में फादर का फर्स्ट क्रोमोसोम, ए साइड में फादर का सेकंड क्रोमोसोम, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ए साइड में फादर का फर्स्ट क्रोमोसोम है, ठीक है, और मदर का सेकंड क्रोमोसोम है। और इसमें क्या है, बी साइड में मदर का फर्स्ट क्रोमोसोम है और फादर का सेकंड क्रोमोसोम है। क्लियर हुआ? इसको हम दूसरे शब्दों में कहें कि जब इससे जब डॉटर सेल बनेगी, जब इससे जब डॉटर सेल बनेगी, समझ में इससे अब मान लो दो डॉटर सेल बन गई, ये दो डॉटर सेल बन गई ना, तो इसमें ये क्रोमोसोम चला गया और इसमें ये क्रोमोसोम चला गया कि नहीं, मियोसिस फर्स्ट खत्म होने के बाद, और इसमें ये क्रोमोसोम चला गया ए वाले सेल में बेटा, और इसमें ये वाला क्रोमोसोम चला गया। देखो तो जो ए सेल है और ये जो बी सेल है, इसमें देखो इस दोनों में ही फादर का ही क्रोमोसोम आया, फादर का ही क्रोमोसोम आया, और इसमें मदर का ही क्रोमोसोम आया। देख रहा हूं मदर का ही क्रोमोसोम आया, और क्रॉसिंग ओवर जो होता है इसका, इनके बीच में एक्सचेंज होता है, वो तो होता ही है, वो उस चीज को यहां दिखाई नहीं रहे, क्रॉसिंग ओवर तो आगे आएगा, अभी तो खाली क्रोमोसोम का मूवमेंट देखो। तो ये समझ में आ रहा है, यहां पर देखो जब डॉटर सेल बनेगी, इस केस में जब डॉटर सेल बनाओगे, इस केस में जब डॉटर सेल बनाओगे तो देखो क्या आ रहा है। तो इस केस में जब डॉटर सेल बनेगी, दो डॉटर सेल, तो क्या देखेंगे कि इसमें देखो ए, मान लो ये ए सेल है और ये बी सेल है, बी सेल, तो क्या होगा, बहुत ही आसान चीज है जो बच्चे पता नहीं समझ क्यों नहीं पाते हैं। तो ये हो गया और ये, ठीक है, और ये वाला भी बना दो, तो पॉसिबिलिटी देख रहा हूं क्या पॉसिबिलिटीज हो रही हैं। तो हम तो डायग्राम बनाते जाएंगे तो ये वाला बना के छोड़ दिया, ये वाला नहीं बना, बट ये भी बन सकता है। तो अब देखो यहां पर जो ए सेल है, इस पॉसिबिलिटी से जो ए सेल है, इसमें पहला क्रोमोसोम फादर का है, ठीक है, और दूसरा क्रोमोसोम जो है वो मदर का है, जबकि बी सेल में पहला क्रोमोसोम मदर का है, ठीक है, पहला क्रोमोसोम मदर का है और दूसरा क्रोमोसोम जो है वो फादर का है। इसका मतलब दूसरे पॉसिबिलिटी में हर सेल को फादर और मदर दोनों से क्रोमोसोम मिला है, और इसमें क्या है कि एक सेल को केवल फादर का क्रोमोसोम मिल गया है, एक सेल को केवल मदर का क्रोमोसोम मिल गया है। यहां ये तब ये दो केस आ रहा है, ये तब दो केस आ रहा है जब हम यहां टू पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स दे रहे हैं। अच्छा, यहां और भी तुम कॉम्बिनेशन हो सकते हो, ये मैं सिर्फ दो पॉसिबिलिटी दिखा रहा, और भी पॉसिबिलिटी है। क्या पॉसिबिलिटी है बेटा, पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, तुम ऐसा सोच लो, एक पॉसिबिलिटी ये हो गई,
एक सेल में फादर का वन और फादर का टू जैसा ये, और उसी के दूसरी सेल में क्या होगा, मदर का वन और मदर का भी टू चला गया। ठीक, एक पॉसिबिलिटी हो गई पॉसिबिलिटी वन। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी, ये मान लो सेल ए है ये सेल बी है, तो सेल ए की पॉसिबिलिटी, दूसरी पॉसिबिलिटी ये वाली दिखा रहे, तो इसमें क्या हो गया, इसमें फादर का वन और मदर का टू आ गया। ठीक है, और इसमें क्या होगा, मदर का वन और फादर का टू आ गया। पर और भी तो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, देखो कि मदर सेल ए में मदर का वन आ जाए और फादर का टू आ जाए, तो इसमें क्या आ जाएगा, फादर का वन आ जाएगा और मदर का टू आ जाएगा, ये पॉसिबिलिटी हो गया। तो फादर का वन टू, फादर का वन मदर का टू, मदर का वन फादर का टू, और एक और पॉसिबिलिटी हो गई क्या, मदर का वन और मदर का ही टू जाए, इसमें फादर का वन और फादर का टू जाए, मतलब सेल ए और सेल बी, चार पॉसिबिलिटीज बनेंगी। हम तो यहां दो ही पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं, एनसीईआरटी बुक तो दो ही पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं, मतलब जो अलाइनमेंट ये तुम कर रहे हो कि फादर वाला दोनों ऊपर मदर वाला नीचे, इसको उल्टा कर दो, मदर वाला दोनों ऊपर कर दो फादर वाला दोनों नीचे कर दो, तो ये पॉसिबिलिटी आ जाएगी, या इसमें फादर वाला ऊपर कर दो मदर नीचे कर दो, इसमें फादर ऊपर ही रहने दो मदर नीचे रहने दो, या इसमें मदर ऊपर कर दो फादर नीचे कर दो, इसमें फादर ऊपर कर दो मदर नीचे कर दो, तो ये पॉसिबिलिटीज बनेंगी। और फिर इसी के आगे जब और आप जाएंगे एना फेज टू में, तो सिस्टर क्रोमेटिड टूटेगा तो चार सेल बनेगी। अब तो ये जो ए सेल है ये दो सेल में डिवाइड होगी, ए सेल भी तो आगे चल के दो सेल में डिवाइड होगी ए वन और ए टू, और बी सेल भी दो सेल में डिवाइड होगी बी वन और बी टू। तो ये जो क्रोमोसोम इसमें आया, ये वाला क्रोमोसोम, तो इसके सिस्टर क्रोमेटिड टूटेंगे तो एक क्रोमेटिड इस सेल में जाएगा, एक क्रोमेटिड, समझो मेरी बात, एक क्रोमेटिड, तो कहने का मतलब है कि इस सिस्टर क्रोमेटिड इसका इस क्रोमोसोम का, जैसे मान लो अभी बताए हैं तुमको कि ये दो सेल है, तो जब ये सेल डिवाइड होगी तो ये क्रोमोसोम जब आएंगे इक्वेटर पर इसके, तो इसका आधा, इसका एक क्रोमेटिड, इसका क्रोमेटिड एक सेल में जाएगा, इसका दूसरा क्रोमेटिड, इसका दूसरा क्रोमेटिड एक सेल में जाएगा। ऐसे नीचे वाले दो क्रोमोसोम में एक एक क्रोमेटिड एक सेल में, एक क्रोमेटिड दूसरे सेल में। तो पॉसिबिलिटीज जो होती है क्रोमोसोम मूवमेंट की, इस तरह से नए कॉम्बिनेशन बनते हैं। कुछ सेल लेकर के वो दोनों फादर के क्रोमोसोम रखे हैं, कुछ सेल में केवल मदर के प्रॉपर्टीज दिखेंगी, कुछ सेल में फादर की कुछ प्रॉपर्टी मदर की कुछ प्रॉपर्टी दिखेंगी। ठीक है, कुछ सेल में आप देख रहे तो चार पॉसिबिलिटीज जो हमने आपको यहाँ दिखाई, यही चीज सटन एंड बोवरी ने भी क्रोमोसोम मूवमेंट पर स्टडी करके दिखाया। तो ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस सटन एंड बोवरी ने दिया था, इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो है वो थॉमस हंट मॉर्गन नाम के साइंटिस्ट ने किया था, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर यानी फ्रूट फ्लाई का इस्तेमाल करके। तो जो ये ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो है वो एक इंसेक्ट है जिसको फ्रूट फ्लाई कहते हैं, इस पर स्टडी थॉमस हंट मॉर्गन ने किया था, थॉमस हंट मॉर्गन और उनके साथियों ने किया था। और जो सबसे बड़ा चीज़ उन्होंने किया था, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, तो इसको भी आप लिख लें कि किसने किया, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये हो जाएगा थॉमस हंट मॉर्गन। ठीक है, तो थॉमस हंट मॉर्गन एंड कोनिलियस, मतलब उनके साथियों ने मिलकर, और बाय परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट ऑन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ठीक, ये फ्रूट फ्लाई है, इसको फ्रूट फ्लाई कहते हैं। तो फ्रूट फ्लाई
का जूलॉजिकल नेम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, ड्रोसोफिला मेलानोकास्टर। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन क्या था, ड्रोसोफिला का इस्तेमाल क्यों किया था, क्योंकि इसकी लाइफ स्पान शॉर्ट होती है, इसकी लाइफ स्पान शॉर्ट होती है और 2 हफ्ते की होती है, और इसमें वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आता है, ये चीज मॉर्गन ने बताया था। वेरिएशन ऑकर्स ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है, ठीक है। और इसमें जो हेरिडिटी वेरिएशंस होते हैं वो आसानी से ऑब्जर्व हो जाते हैं, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ही क्लियर वेरिएशंस होते हैं। और इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है, मेल ड्रोसोफिला छोटा होता है, फीमेल ड्रोसोफिला बड़ी होती है, इजीली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ को, और इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वजह से ही वेरिएशन होता है। ये भी किसने बताया था, थॉमस एंड मॉर्गन ने।